हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द EduTap टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। एंड सेम क्वेश्चन, कैसी चल रही है सब बच्चों की एग्जाम की तैयारी? आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। जिन बच्चों ने भी कोर्स लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स। ठीक है, आज का टॉपिक जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक है। ठीक है, साइकोलॉजी रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस में सीटेट के पहला आई थिंक चैप्टर का टॉपिक यही लिखा हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और उसकी क्या रिलेशनशिप है विद लर्निंग। फर्स्ट चैप्टर जो पेडागोजी में है ना, सीडीपी के, यही चैप्टर है। कोर्स के अंदर इस तरह ही ये चैप्टर दिया हुआ है। जिन बच्चों को कोर्स नहीं लिया, मैं वैसे ही बता दूं। एंड जो भी कहीं और से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, नेट से पढ़ रहे हैं, वो ध्यान रखें कि इस चैप्टर के अंदर देखो उन्हें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर उन्हें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़नी है। जो भी बच्चे कहीं से भी पढ़ते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखिए, तभी ये मैंने टॉपिक लिखा है। ठीक है, सारे टॉपिक्स लिखे हैं उन्होंने इस चैप्टर में। एक ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड चीज उन्होंने पढ़नी है मैच्योरेशन एंड ग्रोथ, इसका क्या असर होता है बच्चे पे या ये चीजें क्या होती हैं। थर्ड चीज उन्होंने पढ़नी है कि लर्निंग और मैच्योरेशन कैसे डेवलपमेंट पे असर डालती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इस चैप्टर में बच्चों ने पढ़नी है कि क्या क्या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, हर स्टेज के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, एंड लास्टली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है क्या डिफरेंसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये काफी बड़ा चैप्टर, अगर आप साइकोलॉजी बुक्स में देखो, ये तीन तीन चार चार हिस्सों में चैप्टर बनाया हुआ है। एंड इसमें से लगभग चार से पांच क्वेश्चन रहते हैं। इसी का ही एक और चैप्टर होता है जब प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, सब बच्चों को पता है ग्रोथ डेवलपमेंट में, उसमें से भी दो क्वेश्चन रहते हैं। तो लगभग पांच से छह क्वेश्चन लगभग इसी टॉपिक में से रहते हैं। बहुत अच्छा पेडागोजी का टॉपिक है। काफी बच्चों को नहीं पता था क्योंकि मेरी एक दो बच्चों से फोन पे बात हुई थी, कहते मैम ये डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने स्टेजेस कर ली। किसी बच्चे ने बोला मैम हमने बस प्रिंसिपल्स कर लिए। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, मैंने तभी ये सारे टॉपिक लिखे कि आप लोग ध्यान रखो आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं ये बता नहीं पाऊंगी बिकॉज ये काफी लेंदी है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। आपने सारी तरह की डेवलपमेंट पढ़ो। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, रिलेटेड टू आपकी कह लो बॉडी, हाइट, वेट, साइज। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस को लेके, कैसे आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, कैसे उनको कह लो देखते हो, अवेयर होते हो। आपको पता है कॉग्निशन इमोशन भी आपके सिलेबस में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, क्या कॉग्निशन इमोशन इंटरलिंक्ड है? ऑफ कोर्स इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फिर आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पता हो। आपको पता है हर डेवलपमेंट के अंदर भी स्टेजेस हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंसी में कैसे होती है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में कैसे होती है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड में कैसी होती है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंट में कैसे होती है। काफी बड़ा चैप्टर है, कोर्स में देख लेना जिन बच्चों को देखना होगा। ठीक है, नहीं तो आप अगर किसी बुक से पढ़ रहे हो बुक से पढ़ लेना, बट आपको पता हो कि आपको ये चीजें पढ़नी है बिकॉज इन्हीं के क्वेश्चंस डिटेल्स में आते हैं। सिमिलरली सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट बच्चे की कैसे होती है, सोशलाइजेशन क्या क्या रोल प्ले करता है, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन हर बार आई है, जिस तरह एक बच्चा एनवायरमेंट में अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है, सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करता है, फॉलो करता है, दैट इज व्हाट सोशलाइजेशन। फिर आपकी अलग अलग तरह की सोशलाइजेशन होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये चीजें भी जरूर करके जाओ। ठीक है, फिर आपकी मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट का क्वेश्चन भी जरूर आता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग लिख लो जो जो मैं बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अगर मैं कभी कोशिश करती हूँ नेक्स्ट सेशन में मैं कोई एक एक टॉपिक उठा लूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी कि ठीक है वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर आपकी मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चे की, हर स्टेज के अंदर कैसे वो मॉरल वैल्यूज को समझता है, ये लगभग आपका है। ठीक है, ये आप हर स्टेज की डेवलपमेंट जरूर पढ़ना, प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर एंड एडोलेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैच्यूरेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, देखो ग्रोथ और मैच्यूरेशन में दोनों का जो असर है वो जेनेटिक इफेक्ट्स की वजह से होता है, जेनेटिक फैक्टर्स, जीन्स की वजह से होता है। जो ग्रोथ है, पर ग्रोथ आपकी सिर्फ रहती है फिजिकल एस्पेक्ट तक। ठीक है, कितनी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, कितना वेट बढ़ रहा है, कितना साइज। जो आपकी मैच्यूरेशन है, ठीक है, मैच्यूरेशन की डेफिनेशन भी आ जाती है, ये बेसिकली अपार्ट फ्रॉम फिजिकल जो बच्चे का असर सोशल, इमोशनल,
इमोशनल कॉग्निटिवली हो रहा है, दैट इज मैच्योरेशन, जो कि जीन्स की वजह से ही हो रहा है, नो डाउट. जैसे हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, एक बच्चे को धीरे धीरे पता लग जाता है कि अब उसको सोशल एनवायरमेंट में कैसे बिहेव करना है. जब वो उसके अंदर एक तो हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, जीन्स चेंजेस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे पता लगने लगता है. जब बच्चा धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, उसको इमोशनल चेंजेस पता लगने लग जाते हैं, कब उसको गुस्सा आ रहा है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, कब हंसना है, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करता है. तो मैच्योरेशन में ये लगभग आपका सारा आता है, ठीक है. ग्रोथ आपका सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट तक रहेगी, डेवलपमेंट कह लो, ये दोनों का असर. क्वेश्चन आता है ना, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज कह लो वाई विच इज द रिजल्ट ऑफ विच टू थिंग्स, तो आपको वहां पे मिलेगा ऑप्शन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. बेसिकली ग्रोथ कह लो इसी का पार्ट है, डेवलपमेंट या मैच्योरेशन का, क्योंकि मैच्योरेशन में फिजिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आपको एक बहुत इजी सा क्वेश्चन मिलता है ऐसा ही सेम, कि जो आपकी डेवलपमेंट है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डेवलपमेंट किस चीज का प्रोसेस है, व्हाई डेवलपमेंट अकर्स, तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा डेवलपमेंट इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग. बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे लर्निंग होती है, लर्निंग कैसे होती है, थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू नॉलेज, इसके थ्रू ही बच्चे की लर्निंग होती है. तो ये दोनों चीजें इंट्रैक्ट करती है एंड फिर बच्चे की क्या होती है, आपकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है. इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे कैसे लर्निंग हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको पता हो. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. मैं इनके ईयर नहीं लिख पाई, ठीक है, बट आपको ये स्टेजेस पता हो. प्रीनेटल, जब बच्चा मदर की वूम में होता है, टिल बर्थ तक, ठीक है, जब वो पैदा होने वाला होता है. इन्फेंसी 0 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 5, लेटर चाइल्डहुड या मिडल चाइल्डहुड 6 to 12, एंड उसके बाद किशोर अवस्था अडोलेसेंट 12 से 18. ये कई बार पेपर में एजेस थोड़ी ऊपर नीचे कर देते हैं, तो आपको वो देख लेना, बट बहुत इजीली आंसर पता लग जाता है. फिर इस हर स्टेज में क्या क्या बच्चा करेक्टरिस्टिक शो करता है, हर स्टेज के अंदर बच्चे की लैंग्वेज, आई थिंक मैं एक ये लिखना भूल गई थी, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी आपको सच पता हो, सारी तरह की डेवलपमेंट लिखी थी कि ये भी पता आपको, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है. अब आप अगर बुक्स में देखोगे, आप जिस जहां से भी पढ़ते हो या कोर्स में अगर आप देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह अंजी सर ने बताई है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में क्या चेंजेस है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या चेंजेस है, कॉग्निटिव में क्या है. ये बहुत बारीकी के क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर सीटेट में जरूर मिलेंगे, ठीक है. तो इसलिए इसको इनको आप अच्छी तरह करना. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एडोलेसेंट के क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सी स्टेज है जब बच्चों को एंजाइटी होती है, बच्चे अपने बारे में बहुत कंसर्न रखते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ऑफ कोर्स उस स्टेज का आंसर क्या होता है, एडोलेसेंट. गोल्डन पीरियड कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है. क्रिटिकल पीरियड कौन सा है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, जब बच्चा अभी लैंग्वेज सीख रहा होता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड. फिर आपने ना, जब आप डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आप स्टेजेस जरूर करना, बच्चे ने कब फर्स्ट वर्ड अटर करा, सेकेंड वर्ड अटर करा, थर्ड, ये सारा कुछ आपको मिलेगा. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट के, आप पुराने पेपर्स में देखना आया हुआ है, ठीक है. उसके बाद इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक आपका रहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है. ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ये मैंने एक मेजर डिफरेंस तो लिखा हुआ है कि ग्रोथ सिर्फ आपकी फिजिकल एस्पेक्ट तक रहती है, जो आपकी डेवलपमेंट है वो ओवरऑल होती है, ठीक है. ग्रोथ के चेंजेस को आप मेजर कर सकते हो, जैसे आप हाइट वेट साइज ये सब मेजर कर सकते हो, डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट सबकी इंडिविजुअल होती है, ठीक है. ग्रोथ को ऐसे बोला जाता है कि वो क्वांटिटेटिव है, वो ये क्योंकि आप मेजर कर सकते हो. ग्रोथ जो डेवलपमेंट है उसको क्वालिटेटिव कहा गया है, हालांकि जो प्रिंसिपल होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उसको दोनों ही कहा गया है, ठीक है. ग्रोथ सिर्फ स्ट्रक्चर तक रहती है, डेवलपमेंट आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्योंकि माइंड भी इंक्लूड करती है, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है. ये लगभग कुछ मेजर डिफरेंसेस आपको पता हो, ये काफी टॉपिक्स डिटेल में करना, ठीक है. आप लोग कोर्स के अंदर बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया हुआ है, हर टॉपिक के साथ आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे. विद इन टाइम मैं कोशिश करूंगी कि कोई एक एक टॉपिक उठाऊं और आपको बताती रहूं डिटेल में. बाकी काफी बच्चों को नहीं पता था कि इस टॉपिक से क्या करिए, तो मैंने आज तभी ये सारा कुछ लिखा है ताकि आपको कुछ आइडिया रहे. अब इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. चलो ये देखो कुछ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन.
पहला क्वेश्चन है, कहते जो डेवलपमेंट है कंसेप्ट्स की वो किसके अंदर आएगी, बताओ चलो बच्चों किसके अंदर आएगी डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, इमोशनल, सोशल, फिजिकल या कॉग्निटिव। आई होप काफ़ी बच्चे आंसर बोल रहे होंगे ऑफकोर्स कॉग्निटिव, ठीक है। कंसेप्ट्स, मेंटल एक्टिविटी, नॉलेज, ये सब हमारी ब्रेन के थ्रू हम करते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसी हर स्टेजेस के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, डोमेन्स हैं जो डेवलपमेंट की वो कौन से उसमें डिवाइडेड है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, ठीक है, या बी ऑप्शन है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, या सी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, या डी ऑप्शन है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। देखो पहली बात तो क्वेश्चन करने का मैंने हमेशा ही आपको ट्रिक बताई है साइकोलॉजी की, पहले ऑप्शंस डिलीट करो। हमने अभी मैंने आपको पढ़ाया था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वाली तो कोई डोमेन थी नहीं, तो ऑप्शन ये वाला भी डिलीट हो गया और ऑप्शन ये वाला भी डिलीट हो गया। अब बचा ये और ये ऑप्शन। वैसे तो अगर मैं देखूं ये ऑप्शन लग रहा है साफ कि हाँ फिजिकल भी है पढ़ी है, कॉग्निटिव भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है। अब एक बार ये ऑप्शन देखो, इस ऑप्शन में क्या है, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल। बहुत बच्चे उस टाइम ना ये ऑप्शन टिक करके आ गए थे, ये भी गलत है, ठीक है। जो आपका आंसर है वो ये है, साइकोलॉजी के अंदर ना दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है जो आपका ये है ना कॉग्निटिव, कॉग्निटिव को कई बार आपको पेपर्स में इंटेलेक्चुअल भी लिखा होगा, ठीक है, इसी चीज को हम ये भी बोलते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, इस चीज का आपका ध्यान रखना। इसी चीज को ही साइकोलॉजिकल भी कहा जाता है, जो आपका रिलेट करता है टू कह लो मेंटल एक्टिविटी, टू ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है, नॉलेज से। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये जब वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ना, ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, कॉग्निटिव भी, इंटेलेक्चुअल भी, साइकोलॉजिकली। सिमिलरली ऐसे एक और वर्ड है, जब वो लिखा जाता है उसका मीनिंग भी लगभग सेम होता है। जब आपका ये वर्ड ऐसे लिखा जाता है ना फिजिकल, और कहीं जगह आपको ये वर्ड मिलेगा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, अगर आपको ये वर्ड मिलेगा ना कहीं फिजियोलॉजिकल, इसका मतलब भी रिलेटेड टू बॉडी है, रिलेटेड टू बॉडी, वेट, हाइट, साइज, शेप, सारा कुछ। फिजिकल का भी मतलब वही होता है सेम, फिजियोलॉजिकल का भी मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, जो हम कह लो फिजियो, आप ये मैथ्स लॉ की थ्योरी में भी है, फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड्स, हमें वाटर चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, ये लगभग दोनों का मतलब सेम ही रहता है। तो अगर आपको ऐसे दो वर्ड्स भी देते तब भी मीनिंग आपका क्या है, सेम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा आपका, ए, ठीक है, दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। नेक्स्ट आपका अब लास्ट रह गया टेस्ट वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन देती हूँ टेस्ट के लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इज, अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इज, ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, एडोलेसेंट, सी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, या आपका डी ऑल, ठीक है, आपने इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन आपका टेस्ट को लेके है, अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इज अर्ली चाइल्डहुड, अडोलेसेंट, लेटर चाइल्डहुड या ऑल, ठीक है, इसका कमेंट में आप नीचे आंसर लिख के बताएगा। जिन बच्चों के आंसर ठीक हो गए आई लाइक दैट आंसर, एंड मैंने थोड़ा सा इसका हिंट अभी दिया ही है इस वीडियो में, तो आप एक बार वीडियो को अच्छी तरह सुन सकते हैं। एंड
थैंक यू. ठीक है, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारा चैनल है EduTap का उसको जरूर सब्सक्राइब करिए. साइड में आपको बेल आइकन दिखे उसको प्रेस करिए ताकि आपको डेली मेरी वीडियोस मिलती रहे. जो मेरी वीडियोस का बच्चे टाइम पूछे थे, आई थिंक लगभग टाइम 3 बजे है, डेली 3 बजे मेरी वीडियो आती है. ठीक है, एंड अंजित सर का डेली लाइव सेशन आपका रहता है, तो आपको डेली 2 वीडियोज आपको डेली मिल रही है. थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम द EduTap एंड ऑल द वेरी बेस्ट.